तो कैसे हैं आप सब लोग। साल 2022 में आप सभी को मालूम है कन्नड़ा सिनेमा से तीन बड़ी पैन इंडिया फिल्में रिलीज हो चुकी है, KGF 2, 777 चार्ली और विक्रांत रोना। और तीनों फिल्में ऑडियंस को काफ़ी पसंद आई है और तीनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफ़ी अच्छी कलेक्शन की है। तो आज हम कन्नड़ा सिनेमा से आने वाली 11 बड़ी पैन इंडिया फिल्मों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 2022 और 23 में रिलीज होने वाली है। चलिए देखते हैं कन्नड़ा सिनेमा से कौन कौन सी पैन इंडिया फिल्में आ रही हैं। लाइक का बटन दबा दीजिए, शुरू करते हैं। नाम विक्रांत रोना। नंबर 11 प्लेस पे गोस्ट शिवा राजकुमार की आने वाली एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है और ये फिल्म एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होगी और ये शिवा राजकुमार की पहली पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर है MG श्रीनिवास और ये फिल्म का पोस्टर आउट हो चुका है लेकिन रिलीज डेट अभी तक कन्फर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये फिल्म 2022 नहीं तो 23 तक आने वाली है। नंबर 10 प्लेस पे मार्टिन एक एक्शन एंटरटेनर फिल्म होने वाली है जिस फिल्म हम सभी को एक्शन प्रिंस ध्रुवा सारजा दिखाई देने वाले हैं एक्शन अवतार में। उनके साथ इस फिल्म में हम सभी को वैभवी सांदिलिया दिखाई देने वाली हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए ए पी अर्जुन ध्रुवा सारजा के साथ अधूरी टी जैसी बड़ी हिट फिल्म कर चुके हैं। जो फिल्म आप लोग देखे होंगे, फिल्म काफ़ी अच्छी बनी थी और इस फिल्म को काफ़ी सारे अवार्ड भी मिले थे। जी हाँ, ये भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म को 13 सितंबर को रिलीज़ करने वाले हैं 2022 के मौके पर। अगर ये फिल्म 13 सितंबर को रिलीज़ होने वाली है तो इस फिल्म का क्लैश होगा PS-1 से। जो फिल्म एक बड़ी मनी रत्नम की पैन इंडिया फिल्म है और विक्रम वेदा, ऋतिक रोशन और सैफ अली खान की फिल्म भी इसी दिन रिलीज़ होने वाली है। तो देखते हैं ये फिल्म 13 सितंबर को आती है या नहीं। नंबर 9 पे क्रांति डी बॉस की आने वाली मच अवेटेड फिल्म है। जो फिल्म एक बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है जिस फिल्म का नया पोस्टर भी आउट हो चुका है। पोस्टर आप सभी लोग देख सकते हो, पोस्टर देखने में अच्छा लग रहा है। इस फिल्म में हम सभी को चैलेंजिंग स्टार दर्शन के साथ रचिता राम और वीर रविचंद्रन दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म एक मसाला फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को एक्शन, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस सब कुछ मिलने वाला है। फिल्म को डायरेक्शन दिए वी हरिकृष्णा और ये फिल्म 2022 में आने वाली है। नंबर 8 प्लेस पे द स्टोरी ऑफ रायगढ़। ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होने वाली है। फिल्म की कहानी 80s में सेट होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को गणेश लीड रोल में दिखाई देने वाले हैं। बताया जा रहा है इस फिल्म को भी मेकर्स पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करने वाले हैं। फिल्म को डायरेक्शन देने वाले सिंपल सोनी और ये फिल्म की शूटिंग इसी साल से शुरू होने वाली है और ये फिल्म 2023 तक आने वाली है। नंबर 7 प्लेस पे हेडबुस कन्नड़ा सिनेमा से आने वाली एक बड़ी पैन इंडियन फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को धनंजय और पायल राजपूत दिखाई देने वाली हैं। ये एक बायोपिक फिल्म होगी जिस फिल्म में हम सभी को बेंगलुरु के फर्स्ट अंडरवर्ल्ड डॉन MP जयराज की कहानी देखने मिलेगी जिनका रोल धनंजय प्ले करने वाले हैं। इस फिल्म को डायरेक्शन दिए सोनिया और फिल्म में म्यूजिक चरण राज दे रहे हैं। ये धनंजय की सेकेंड पैन इंडियन फिल्म होने वाली है। इनकी पहली फिल्म थी पुष्पा द राइज जिस फिल्म में वो जॉली रेड्डी के रोल में दिखाई दिए थे। वैसे इस फिल्म को 21 अक्टूबर को रिलीज करने वाले हैं और ये फिल्म भी कन्नड़ा, हिंदी, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी 60 और 70 में सेट होने वाली है और बताया जा रहा है इस फिल्म को भी 2 पार्ट में रिलीज करने वाले हैं। KGF की तरह ये फिल्म भी 2 पार्ट में आएगी। नंबर 6 पे यू आई कन्नड़ा सिनेमा से आने वाली काफ़ी हटके फिल्म होने वाली है क्योंकि इस फिल्म को डायरेक्शन उपेंद्रा देने वाले हैं। उपेंद्रा के डायरेक्शन में बनी सभी फिल्में काफ़ी अच्छी होती है और ऑडियंस को भी इनकी फिल्में काफ़ी पसंद आती है। इस फिल्म का 2 पोस्टर आउट हुआ है, पोस्टर आप सभी लोग देख सकते हो, पोस्टर इतना यूनिक लग रहा है तो सोचो फिल्म कितनी यूनिक होने वाली है। इस फिल्म में हम सभी को उपेंद्रा ही दिखाई देने वाले हैं और ये फिल्म भी 2023 में आने वाली है। फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फिल्म भी कन्नड़ा, हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषा में रिलीज होने वाली है जो कि आप सभी लोग देख सकते हो। नंबर 5 प्लेस पे कब्जा कनाडा सिनेमा से आने वाली काफी बड़ी पेन इंडियन फिल्म होने वाली है। जो फिल्म 5 भाषाओं में नहीं 7 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। जी, फिल्म को कनाडा, हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी और ओरिया भाषा में रिलीज करने वाले हैं। वैसे ये फिल्म एक गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है जिस फिल्म में हम सभी को अंडरवर्ल्ड की दुनिया को एकदम नए तरीके से दिखाने वाले हैं और इस फिल्म में हम सभी को रियल स्टार उपेंद्रा,
किच्चा सुदीप और श्रेया सरन दिखाई देने वाली हैं लीड रोल्स में। डायरेक्शन दिए आर चंद्रू और फिल्म में म्यूजिक रवि बसरूर देने वाले हैं, जो कि केजीएफ जैसी बड़ी फिल्म में म्यूजिक दे चुके हैं। तो फिल्म का म्यूजिक कमाल का होने वाला है और ये फिल्म 2022 तक ही आने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की शूटिंग कम्प्लीट हो चुकी है और ये फिल्म अभी पोस्ट प्रोडक्शन स्टेज पर है। नंबर 4 प्लेस पे यस 90। केजीएफ 2 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म के बाद यस की अगली पिन इंडिया फिल्म यस 90 होगी, जिसको डायरेक्शन अर्थन देने वाले हैं, जो कि मुफ्ती जैसी बड़ी फिल्म को डायरेक्शन दे चुके हैं। ये फिल्म एक बड़ी एक्शन पैक फिल्म होने वाली है, जिसकी अनाउंसमेंट भी काफ़ी जल्दी होने वाली है। इस फिल्म को 2023 तक रिलीज करने वाले हैं और ये फिल्म भी केजीएफ 1 और केजीएफ 2 की तरह एक काफ़ी बड़ी पिन इंडिया फिल्म होने वाली है। इस फिल्म को हुबली फिल्म्स और जी स्टूडियो प्रोड्यूस करने वाली है मिलकर। नंबर 3 पे बिल्ला रंगा भाषा। ये फिल्म कनाडा सिनेमा से आने वाली काफ़ी बड़ी पैन इंडियन फिल्म होने वाली है, जो फिल्म एक बड़ी साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म होगी, जिसको विक्रांत रोना के डायरेक्टर अनूप भंडारी डायरेक्शन देने वाले हैं। फिल्म की कहानी फ्यूचर में सेट होने वाली है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं आप सभी से, ये फिल्म विक्रांत रोना से काफ़ी बड़ी होगी बजट और स्केल के मामले में। इस फिल्म में हम सभी को किच्चा सुदीप भी दिखाई देने वाले हैं लीड रोल्स में और ये फिल्म 2023 नहीं तो 24 तक आने वाली है। फिल्म की शूटिंग भी काफ़ी जल्दी स्टार्ट होने वाली है। Once upon a time, there was a devil. नाम विक्रांत रोना। नंबर 2 प्लेस पे बघीरा। बघीरा श्री मुल्ली की आने वाली मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसको लिखा प्रशांत नील है और ये डायरेक्टर प्रशांत नील की केजीएफ यूनिवर्स की फिल्म होने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में हम सभी को श्री मुल्ली दमदार कॉप के रोल में दिखाई देने वाले हैं, जिनका लुक आप लोग देख सकते हो, लुक काफ़ी सही लग रहा है। इस फिल्म को डायरेक्शन देने वाले हैं सूरी। मैं समझ रहा था कि ये सूरी की पहली फिल्म होने वाली है, लेकिन इससे पहले वो लकी जो कि 2012 में आई थी, जिस फिल्म में हम सभी को हमारे यस दिखाई दे चुके हैं, उस फिल्म को डायरेक्शन दे चुके हैं। फिल्म में म्यूजिक देने वाले रवि बसरूर और ये फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये फिल्म 2023 तक रिलीज होने वाली है। ये फिल्म भी केजीएफ 1 और केजीएफ 2 की तरह बड़ी पैन इंडिया फिल्म होने वाली है। नंबर 1 प्लेस पे केजीएफ 3। केजीएफ 3 आप सभी को मालूम है वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड पैन इंडिया फिल्म बन चुकी है। जो फिल्म कब आने वाली है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये फिल्म जब भी आएगी तब बॉक्स ऑफिस और काफी अच्छे कलेक्शन करने वाली है। आप सभी को मालूम है इस फिल्म की कहानी 1978 से लेकर 1981 के बीच में सेट होने वाली है और ये फिल्म केजीएफ 2 का प्रीक्वल होने वाला है। फिल्म में हम सभी को बैक स्टोरी देखने मिलेगी रॉकी भाई की। रॉकी भाई बाहर के देशों में कौन कौन सा कांड कर चुके हैं 1978 से लेकर 1981 के बीच में, और इसके बारे में मैं डिटेल में आप सभी को बताने वाला हूँ। केजीएफ यूनिवर्स पे एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, तो टेंशन ना लो, बिजनेस करेंगे। ऑफर क्लोजेस सून। तो ये थी कनाडा सिनेमा से आने वाली 11 बड़ी पेन इंडिया फिल्में। तो आप सभी लोग कौन से फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर कमेंट सेक्शन में बताना है 3 फिल्मों का नाम। अभी के लिए मैं केजीएफ 3, बघीरा और यस 90 फिल्म के लिए काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ, और मार्टिन हो गया, क्रांति हो गया और बहुत सारी फिल्में। तो आप सभी लोग कौन से 3 फिल्म के लिए वेट कर रहे हो, आप सभी को लिखकर बताना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। शुक्रिया।